Good morning, class. In last lecture we have talked about sexual reproduction. Last one lecture के अंदर जो अपन ने sexual reproduction के बारे में बात करी थी. Today we'll talk about events in sexual reproduction. इट मीन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से जो है इवेंट्स अपन को देखने को मिलते हैं. ओके, सो जनरली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी इवेंट्स देखने को मिलते हैं ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेप्स. नंबर वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. Right. Number second is fertilization. And number third is post-fertilization events. तो अब अपन देखने वाले हैं कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं. राइट, फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन सारे चेंजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर. इन चेंजेस के बारे में अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर बात करने वाले हैं. इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट्स मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले गैमेट्स का बनना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा एंड बाकी कोई इवेंट्स हो ही नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले जो इवेंट आता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, या फिर जो प्रोसेस आती है गैमेटोजेनेसिस. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस इन विच गैमेट्स आर फॉर्म. द प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. इस प्रोसेस को जो है गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, अगर अपन जो है प्लांट्स के अंदर बात करें, प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो है गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होता है. नंबर वन इज माइक्रो गैमेटोजेनेसिस. नंबर सेकेंड इज मेगा गैमेटोजेनेसिस. इन माइक्रो गैमेटोजेनेसिस द मेल गैमेट्स विल फॉर्म, दोज आर नोन एज पोलन ग्रेन्स. एंड इन मेगा गैमेटोजेनेसिस फीमेल गैमेट्स विल फॉर्म, दोज आर नोन एज एग्स. वैसे एग्स तो नहीं बोलते हैं बट इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल टॉक अबाउट व्हाट दीज गैमेट्स आर एक्चुअली कॉल्ड. वास्तविकता के अंदर जो है गैमेट्स को अपन क्या बोलते हैं. तो प्लांट्स के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस है दैट इज क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. नंबर वन इज माइक्रो गैमेटोजेनेसिस एंड नंबर सेकंड इज मेगा गैमेटोजेनेसिस. ऑलराइट, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के अंदर वी कैन से पोलन ग्रेन्स बनते हैं और मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो है एग्स बनते हैं. सेम वैसे ही अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर भी डेफिनेटली गैमेटोजेनेसिस होता है. एनिमल्स के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस होता है. एनिमल्स के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है दैट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. इसको भी जो है दो काइंड्स में क्लासिफाइड कर रखा है. नंबर वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज नंबर वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नंबर सेकेंड इज ओजेनेसिस. ओजेनेसिस राइट. During spermatogenesis,
स्पर्म्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म्स आर फॉर्म्ड एंड दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मेल. ये प्रोसेस जो है हमेशा मेल के अंदर देखने को मिलती है. एंड नंबर सेकंड इज ओजेनेसिस. ड्यूरिंग ओजेनेसिस एग्स आर फॉर्म्ड. Eggs are formed and that process is known as oogenesis and that takes place inside female body. ये जो है हमें female body के अंदर देखने को मिलती है. Alright? अब ये आपने देखा है कि plants के अंदर भी gametes form हो रहे हैं, animals में भी gametes form हो रहे हैं. Gametogenesis की process को, sorry, gametes form होने की process को जो है gametogenesis बोलते हैं. अब ये दो kind के gametes form हो रहे हैं. ये जो gametes हैं, these are classified into two kinds. इनको जो है दो काइंड्स में डिवाइड कर रखा है. नंबर वन इज द होमोगैमेट्स एंड नंबर सेकंड इज हेटरोगैमेट्स. ऑलराइट, होमोगैमेट्स वर्ड से पता चल रहा है होमो इन द सेंस सिमिलर. होमो इन द सेंस सिमिलर मतलब कि ऐसे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जिसके अंदर जो गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो मोर्फोलॉजी के अंदर सिमिलर है. ऑलराइट, ऐसे गैमेट्स जो कि किसके अंदर सिमिलर है, मोर्फोलॉजी के अंदर. ऐसे गैमेट्स जो कि मोर्फोलॉजी के अंदर जो है सिमिलर होते हैं, दैट काइंड ऑफ गैमेट्स आर नोन एज होमोगैमेट्स. ऑलराइट, इट मींस वी कैन से देखकर अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि मेल गैमेट है या फिर फीमेल गैमेट है. ऑलराइट, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज फाउंड इन एल्गी. जनरली किस तरह देखने को मिलती है अपन को एल्गी के अंदर. एल्गीज जो भी हैं उनके अंदर होमोगैमेट्स पाए जाते हैं. अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि मेल गैमेट है या फिर फीमेल गैमेट है. ऑलराइट, बट जो सेकंड काइंड रखा है हेटरोगैमेट्स. सेकंड काइंड का रखा है हेटरोगैमेट. हेट्रो इन द सेंस डिफर. हेट्रो इन द सेंस डिफर, ऐसे गैमेट्स जो कि मॉर्फोलॉजी के अंदर आपस में एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं. ऐसे गैमेट्स जो कि मॉर्फोलॉजी के अंदर आपस में एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं, that kind of gametes are known as heterogametes. उनको जो है अपन heterogametes बोलते हैं. algae को छोड़कर जितने भी higher plants और animals हैं, जितने भी higher plants और animals हैं, उन सब के अंदर जो है heterogametes देखने को मिलते हैं. alright, it means higher plants और animals के अंदर जो gametes हैं, वो morphology के अंदर आपस में एक दूसरे से resemble नहीं करते हैं, और अपन easily देख के identify कर सकते हैं that which one gamete is male and which one gamete is female. So that is all about gametogenesis. ये gametogenesis के बारे में है. इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं plants के अंदर. plants के अंदर gametogenesis की process हमेशा होती है flower के अंदर. प्लांट्स के अंदर हमेशा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है फ्लावर के अंदर होती है. फ्लावर के अंदर जो है जो मेल पार्ट है उसको बोलते हैं स्टैमेन, और फीमेल पार्ट है उसको बोलते हैं पिस्टल. फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं. राइट, अगर ये दोनों पार्ट एक ही फ्लावर के ऊपर पाए जा रहे हैं, देन द फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल. The flower is known as bisexual. The flower is also known as monoecious. देखो, plants के अंदर gametogenesis की process flowers के अंदर होती है. Flowers जो है plant का reproductive part होते हैं. Alright, जिसके अंदर male part को तो बोलते हैं stamen. That is the male part. And this one is the female part. Alright. अगर दोनों पार्ट एक ही फ्लावर पे पाए जा रहे हैं, फ्लावर विल बी कॉल्ड बाइसेक्सुअल और मोनोसियस. बट अगर दोनों में से कोई एक ही जो है पार्ट फ्लावर के ऊपर पाया जा रहा है, सपोज दैट केवल स्टैमिन ही फ्लावर के ऊपर पाया जा रहा है, इन दैट सिचुएशन द फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल. द फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट डायोसियस. The flower is known as dioecious. Alright. अब ये जो unisexual वाली situation है, unisexual वाली situation के अंदर flowers को फिर further दो category में divide कर रखा है. Maybe flower के ऊपर या तो pistil हो सकता है या फिर जो है stamen हो सकता है. Right?
यूनिसेक्सुअल वाली सिचुएशन के अंदर दो कंडीशंस अराइज होती है, या तो क्या पता फ्लावर के ऊपर केवल स्टैमेन ही पाए जा रहे हो, या क्या पता केवल पिस्टल ही पाए जा रहे हो, राइट? अगर स्टैमेन ही पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर, दैट काइंड ऑफ फ्लावर इज नोन एज स्टैमिनेट. द फ्लावर इज नोन एज स्टैमिनेट. अगर पिस्टल जो है फ्लावर के अंदर पाई जा रही है, देन द फ्लावर इज नोन एज पिस्टलेट. द फ्लावर इज नोन एज पिस्टलेट. आप लोगों ने देखा होगा पपाया जो है जनरली अपन ग्रो कर लेते हैं, राइट? बट पपाया के अंदर अपन देखते हैं कि कुछ पपाया के प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो है फ्रूट फॉर्मेशन ही नहीं होता है, राइट? कुछ ऐसे भी पपाया के प्लांट अपन को देखने को मिलते हैं जिसके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन ही नहीं होता है. अब फ्रूट फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके अंदर जनरली जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल. गैमेट्स तो फॉर्म होंगे उनके अंदर, बट जो है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं हो पाएगा. फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं हो पाएगा तो उनके अंदर किसी प्रकार से कोई फ्रूट फॉर्म नहीं हो पाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर. सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट इवेंट. आज जो है अपन ने फर्स्ट इवेंट के बारे में बात कर ली है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, जो कि अपन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है फर्टिलाइजेशन से पहले. गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्लांट और एनिमल्स दोनों में अलग अलग होती है, ऑलराइट? और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनके अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं. प्लांट्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जनरली फ्लावर के अंदर होती है, क्योंकि यही रिप्रोडक्टिव पार्ट है. फ्लावर जो है उसके अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, नंबर वन इज द मेल, सेकंड वन इज फीमेल. दोनों पाए जाते हैं तो फ्लावर विल बी कॉल्ड बायसेक्सुअल, ऑलराइट? और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोसियस. अगर दोनों में से कोई एक ही है तो फ्लावर विल बी कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल और डायोसियस. डायोसियस में दो कंडीशन अराइज होती हैं, दैट इट कैन बी द स्टैमिनेट एंड इट कैन ऑल्सो बी द पिस्टिलेट. दैट इज ऑल अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ऑलराइट? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन. अपन जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. फिर भी किसी को डाउट्स है तो पूछ लेना, ऑलराइट? थैंक यू.